नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं भव्या, आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। दिवाली के दिन 8 साल के मासूम की हत्या से घर में मातम। हमीदा कॉलोनी में एक घर में लगी आग से लाखों का सामान हुआ खाक। योगा अभ्यास कर लोगों ने बीमारियों से बचने के सीखे गुर। भगवान विश्वकर्मा की जयंती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। चाइनीज लड़ियों से गुलजार हुआ यमुनानगर शहर। 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर चौधरी कंवरपाल ने किया बड़ा खुलासा। अब गतिविधियां विस्तार से। दिवाली के दिन 8 साल की मासूम की हत्या से घर में मातम। आशंका की तंत्र विद्या को लेकर बच्चे की गई हत्या। शव को कब्जे में लेकर हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। दिवाली के दिन 8 साल के मासूम की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यमुनानगर के गोविंदपुर इलाके में एक चाचा ने अपने 8 साल के भतीजे की निर्मम हत्या कर दी है, ऐसी सूचना मिली है। पुलिस ने मौके से चाकू, रोड और शव को लेकर हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच शुरू कर दी है। दिवाली के दिन हुई इस हत्या को तांत्रिक विद्या के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो देखा कि बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। दिवाली के इस पर्व पर शायद उस मासूम को पता ही नहीं था कि प्यार करने वाले हाथ ही उसकी बेरहमी से हत्या कर देंगे। यह घटना मानवीय रिश्तों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये यकीन नाम बच्चा से पड़ता है, इसकी हत्या जिसके राहुल नाम का व्यक्ति है, तो उसके फादर के चाचा का लड़का है, उसने कर दिया। तो अभी आरोपी गिरफ्तार करने के बाद ही पता चलेगा कि हत्या किसने किया था। मौके पे जो क्राइम टीम ने हमने भी जो इंस्पेक्ट किया, मौके पे रोड में दिया चाकू। सर, बच्चे की बॉडी के साथ आपने की बच्चे की जो हत्या बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। बच्चे अभी आँखों में आँखें भी अफेक्टेड हैं और पीछे सर में भी काफ़ी चोट है इसके। सर, पुलिस के इसको बली से जोड़कर देख रही है, जाँच कर रही है। आज त्यौहार का दिन है, दिवाली है, तो अभी तो ये नहीं कहा जाता कि बलि का कारण है या किस चीज़ का कारण है, लेकिन प्रॉपर इंट्रोगेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल कारण क्या है। मैं इसके पिता का चाचा। हमीदा कॉलोनी के घर में लगी आग से लाखों का सामान खाक। बेटी के दहेज के लिए खरीद कर रखा सामान भी जला। यमुनानगर की हमीदा कॉलोनी में एक घर में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई, जिसके बाद घर में रखे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ लिया और वो फट गया। सिलेंडर फटने के कारण जहां पीड़िता का घर तबाह हो गया, वहीं पड़ोसियों की दीवार भी टूट गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। परमजीत ने बताया कि जब आग लगी तब लोग सोए हुए थे। धमाका होने के बाद आग लगने की खबर लगी। बेटी के दहेज के लिए रखा सामान भी आग के हवाले हो गया। इस अचानक हुए हादसे से पूरा घर सदमे में है। ये सवा 3 बजे बड़ा कस हुआ है, तो सारे उठे हैं तो आग लगी हुई थी, शौक से लगी रहता है, या सिलेंडर लीक हुआ है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये अंदर 3 पेटी पड़ी थी, छोटी लड़की का दादा दोस्त था, बड़ा हुआ था शादी करने वाले थे, और पक्के पड़े रहते बोर्डिंग मंजिल के पास, वॉशिंग मशीन थी। योगा अभ्यास कर लोगों ने बीमारियों से बचने के सीखे गुर। 11 स्टार मॉर्निंग क्लब की ओर से हुआ योग शिविर का आयोजन। 11 स्टार मॉर्निंग क्लब की ओर से टाउन पार्क सेक्टर 18 में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्लब के मेंबर व अन्य लोगों ने योग का अभ्यास किया। योग विशेषज्ञ स्वर्णजीत कौर ने लोगों को योग करने की विधि व योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही लोगों को जीवन में स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में लोगों के पास अपनी सेहत के लिए समय नहीं है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की बीमारियाँ जकड़ लेती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए, तभी लोग सुंदर व निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना योग करने से कई जटिल बीमारियों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर क्लब के मेंबर वीरेंद्र त्यागी, राजेश काम्बोज, गौरव त्यागी, राकेश सेवापाल, सुरेश, अजय, सत्यम जर्नैल सहित क्लब के अन्य मेंबर्स ने योगाभ्यास में भाग लिया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु, पूजा अर्चना कर मांगी सुख शांति की दुआ। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में गुलाबनगर स्थित मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख शांति की मंगल कामना की। मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह लाल और जगदीश धीमा ने प्रार्थना कर लोगों पर भगवान विश्वकर्मा की दृष्टि बनी रहे, इसकी कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ही संसार को सुंदर व मानव के रहने योग्य बनाया है, इसलिए वे सभी के लिए पूजनीय हैं। चाइनीज लड़ियों से गुलजार हुआ यमुनानगर शहर। तमाम जागरूकता के बाद भी लोगों ने खरीदा चाइनीज सामान। दिवाली को लेकर जहां शहर भर में उल्लास और खुशी का माहौल देखा गया, वहीं चाइनीज सामानों का उपयोग भी लोगों ने जमकर किया।
पिछले कई दिनों से विभिन्न संगठन यमुनानगर के स्कूल, कॉलेजेस और अन्य जगहों पर स्वदेशी सामान खरीदने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। सेमिनारों में लोगों को बताया जा रहा था कि चाइना में बने सामान यमुनानगर वासी ना खरीदे। इसके लिए कई तर्क भी दिए जा रहे थे, लेकिन तमाम जागरूकता के बावजूद लोगों ने चाइनीज सामानों से घरों को सजाया। आखिर क्या कारण है कि इतने जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोगों ने चाइना के सामान को खरीदा? यह सोचनीय प्रश्न है कि आखिर हम भारतीय स्वदेशी निर्मित वस्तुएं ना खरीदकर चाइनीज सामान खरीदने के लिए मजबूर क्यों हैं? 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर चौधरी कंवर पाल ने किया बड़ा खुलासा। कई मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष ने बेबाकी से रखी अपनी राय। हरियाणा विधानसभा के 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस होने के सरकारी दावे के उलट विधानसभा अध्यक्ष ने खुलासा किया है कि वो अभी तक हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस नहीं कर पाए हैं। विधानसभा के सत्र में सरकार और विपक्ष को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए आप। देखिए, बिना सेशन चलने देने के किस प्रकार से सरकार स्पष्ट कर पाएगी, ये मेरी समझ से बाहर है। विषय ये है कि जो हाउस है वो इसीलिए है, डिस्कशन के लिए है, विचार विमर्श के लिए है कि आप अपनी बात रखेंगे, विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार उसका जवाब देगी। तो अगर शेप में कोई भी वो कॉल टेंशन मोशन लेके आते हैं तो उसको स्वीकार करेंगे और हम सरकार से कहेंगे कि सरकार उसका जवाब दे, विपक्ष अपनी बात रखेगा। मेरा काम तो यही है कि विपक्ष की बात को हाउस में रखवाना, ये मेरा काम है, और उसके बाद में सरकार उसका जवाब दे। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो जवाब दे, और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसका जवाब देगी। देखिए, पेपरलेस करने के लिए कुछ हमें जगह की जरूरत है, और वो जगह हमारे पास विधानसभा में उपलब्ध नहीं है। लगभग 27 लोगों का स्टाफ हमें चाहिए उसमें बैठने के लिए, और विधानसभा में हमारे पास जगह की बहुत कमी है। पेपर लेस तो शायद हम नहीं कर सकते, अभी पर लेस पेपर कर दिया हमने, पेपर को लेस कर दिया, तो कुछ कम कर दिया। जैसे बजट था उसकी हमने सीडी दे दी, दूसरी और कुछ ऐसे जो आते थे उनकी हमने सीडी दे दी। पूरी तरीके से पेपर लेस नहीं कर सके, लेकिन काफी हद तक हम उसने जो पेपर का इस्तेमाल होता था वो लगभग मैं समझता हूँ कि 50% के करीब, 50% से भी ज्यादा हमने कम कर दिया। देखिए, हाउस में जब भी समापन होता है तो हर बार सब सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन क्योंकि जब मीडिया सामने होता है तो कुछ ना कुछ बात कहनी होती है। हमने प्रयास करके, हमने सब जितने भी मेंबर होते हैं, हमारा प्रयास होता है कि सब लोग अपनी बात रखें और सरकार उसका जवाब दे। मतलब केवल ये नहीं कि हम उसके, हम प्रयास करके करते हैं और इस बात को सब महसूस भी करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि सब लोग अपनी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।